दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि भाई ट्रिपल एच ने जो रेसलमेनिया 40 की स्क्रिप्ट लिखी थी वो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, और जो मेन इवेंट के अंदर इतने बड़े बड़े शोकर्स ट्रिपल एच ने प्लान किए थे वो तो दोस्तों काफ़ी इनक्रेडिबल थे। और दोस्तों ट्रिपल एच अपने इंटरव्यू के अंदर भी इस बात को बोल चुके हैं कि रेसलमेनिया 40 तो आप सभी ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रेसलमेनिया देख ली, लेकिन रेसलमेनिया 41 जो होने वाली है जो कि लास वेगास से हमें 19 और 20 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है, ये रेसलमेनिया इस साल की रेसलमेनिया से भी ग्रेटर होने वाली है। इस चीज को दोस्तों ट्रिपल एच ने क्लियर करके हम सभी फैंस को ये चीज बताई है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों रेसलमेनिया 41 के लिए अभी से हमें काफी सारे रूमर जो मैचेस हैं वो सुनने को मिल रहे हैं कि ये मैच हो सकता है, ये मैच हो सकता है, रोमन रेंस का मैच होगा, जॉन सीना का मैच होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड के अंदर रेसलमेनिया 41 के बारे में कि कौन कौन से बड़े मैचेस हमें इस रेसलमेनिया के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं, और पूरी जो फील है वो आपको इस वीडियो के अंदर रेसलमेनिया वाली मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग का कॉन्टेंट देखने के लिए। दोस्तों फर्स्ट जो मैच है उसकी शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं हमारे फेवरेट सी नेशन लीडर जॉन सीना के साथ, जहाँ पर दोस्तों जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर है वो 2025 के अंदर ही होने वाला है। जॉन सीना की जो ये रेसलमेनिया है ये हमें लास्ट रेसलमेनिया देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों रेसलमेनिया 41 के लिए अभी जो फिलहाल जो मैच हमें सुनने को मिल रहा है जॉन सीना का वो हो सकता है लोगन पॉल के अगेंस्ट में, और ये दोस्तों एक मनी मैच होने वाला है क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया स्टार और एक हॉलीवुड स्टार जब WWE की रिंग के अंदर आमने सामने आएंगे तो दोस्तों जो एटमोसफेयर है रिंग का वो दोस्तों काफी डिफरेंट होने वाला है। और आप सभी को पता है कि लोगन पॉल की जो हाई फ्लाइंग स्किल्स है वो रिंग के अंदर कितनी अच्छी है, तो अगर ये मैच WWE रेसलमेनिया 41 के लिए बुक कर रही है तो भाई साहब ये मैच भी काफी सारी आई बॉल्स को अट्रैक्ट करने वाला है, और ये मैच दोस्तों जॉन सीना और साथ ही साथ लोगन पॉल के करियर के अंदर काफी बड़ा मैच होने वाला है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है जिसकी शुरुआत हमें इस साल की रेसलमेनिया की स्टार्टिंग से ही देखने को मिल गई थी, और ये मैच है दोस्तों ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच में, जो कि एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब जो ये मैच है ये मुझे लग रहा है कि शायद CM पंक का जो ब्रेसलेट है उसके लिए होने वाला है, और पहले हमें ऐसा सुनने को मिल रहा था कि इस मैच के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंक्लूड हो सकती है, लेकिन अब दोस्तों इस मैच के अंदर इतनी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो आ चुकी है कि बिना किसी चैंपियनशिप के लिए ये मैच रेसलमेनिया लेवल का मैच बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है क्योंकि CM पंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये मेंशन है कि CM पंक को एक बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना ही करना है, और जो ये मैच होगा ये शायद मुझे लग रहा है कि रेसलमेनिया की मेन इवेंट की बजाय हमें ऐसे ही शो के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फील है वो दोस्तों इस मैच की काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, तीनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के जानी दुश्मन यहाँ पर बनकर सामने आए हैं, तो रेसलमेनिया 41 के अंदर दोस्तों ये मैच तो 99% हमें देखने को मिलने वाला है। इसी के अलावा दोस्तों सेथ रोलंस और CM पंक का जो सिंगल्स मैच है ये भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स में है कि WWE इस मैच को एज ए सिंगल के तौर पर ही रखने वाली है, यानी कि ड्रू मैकइंटायर शायद इस फ्यूड से बाहर निकल सकते हैं, और CM पंक और जो सेथ रोलंस है उनका हमें सिंगल्स मैच भी देखने को मिल सकता है। वैसे आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आप सेथ रोलंस और CM पंक का सिंगल्स मैच देखना ज्यादा पसंद करोगे या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच ज्यादा देखना पसंद आप करने वाले हो। सो इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है दोस्तों यहाँ पर WWE चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। तो दोस्तों जब से कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप को जीता है तो दोस्तों फैंस की डिमांड है कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है वो WWE कंपनी के अंदर हमने देखी है, जहाँ पर दोस्तों लेगेसी टीम के अंदर ये दोनों सुपरस्टार हमें देखने को मिलते थे। भाई रैंडी ऑर्टन जब अपना हील टर्न करेंगे और साथ ही साथ जब कोडी रोड्स के साथ उनकी स्टोरी शुरू होगी तो भाई रेसलमेनिया के अंदर जो फील है वो इस मैच की काफ़ी बड़ी होने वाली है, और ये दोनों सुपरस्टार जब रेसलमेनिया की रिंग के अंदर कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो हमें नए चैंपियन भी बनते हुए नजर आ जाए, क्योंकि रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर हमें काफ़ी सारे मेजर टाइटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो ये मैच है ये रेसलमेनिया की स्टेज पर काफ़ी बड़ा मैच होने वाला है। फिलहाल हमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स के अपोनेंट हमें रैंडी ऑर्टन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मैच है ये है दोस्तों WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि हो सकता है दोस्तों ज़ेका फाटू एंड सोलो सिकोवा वर्सेज ऊसोस के बीच में। तो भाई ब्लड लाइन के जो मेम्बर्स हैं ये आमने सामने एक टैग टीम मैच के अंदर जब उतरेंगे तो भाई रिंग के अंदर जो एटमोसफेयर है वो भाई वॉर जैसा होने वाला है। ये हमने मनी इन द बैंक के अंदर भी देख लिया, जहाँ पर ब्लड लाइन सिविल
वॉर जो हुई थी उसका जो फील था उस मैच का, वो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। वो मैच दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। और अगर दोस्तों रेसलमेनिया 41 के अंदर ये टैग टीम मैच होता है जिसके रूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये भी भाई काफ़ी कमाल का मैच हमें देखने को मिल सकता है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है ये है दोस्तों डेमिन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में, या मैं बोलूँ कि डेमन फिन बैलर के बीच में। तो दोस्तों समर स्लैम के अंदर इनकी जो फ्यूड है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और रेसलमेनिया से पहले दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर के बीच में हमें एक आधा मैच देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस स्टोरी का जो एंड है वो शायद हमें रेसलमेनिया 41 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और ये भी दोस्तों रेसलमेनिया लेवल का मैच है, क्योंकि जो जजमेंट डे फैक्शन है वो दोस्तों फैंस के बीच में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ओवर है। फैंस इनकी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है, और इसलिए दोस्तों WWE इस मैच को रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर ही बुक करने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगला जो मैच है वो भी दोस्तों जजमेंट डे से ही जुड़ा हुआ है, और ये मैच है दोस्तों WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिपली के बीच में। तो दोस्तों लिव मॉर्गन वो रीजन है जिसकी वजह से रिया रिपली को अपनी चैंपियनशिप हारनी पड़ी थी, अपनी चैंपियनशिप उन्होंने छोड़ दी। इसके बाद समर स्लैम के अंदर उनको मैच भी मिला, लेकिन डोमिनिक मिशेलियो की वजह से वो उस मैच के अंदर हार गई। लेकिन अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि WWE इस स्टोरी को रेसलमेनिया तक लेकर जाने वाली है, और फाइनली रिया रिपली को रेसलमेनिया के अंदर उनकी वुमेन चैंपियनशिप वापस मिलेगी, और साथ ही साथ जो रिया रिपली है वो अपने हाथ को भी साफ करने वाली है लिव मॉर्गन के ऊपर, और फाइनली इनकी जो स्टोरी है ये हमें एंड देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मैच है ये मैच है दोस्तों रे मिस्टेरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में, जो कि फादर एंड सन का तीसरा मैच होने वाला है। और अगर ये मैच दोस्तों रेसलमेनिया 41 के अंदर हो रहा है तो भाई फिर से जो फैंस है वो इस मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड होने वाले हैं, क्योंकि इनके जो दो मैचेस है वो हमने देख लिए, फैंस का दोस्तों उसके ऊपर रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। लेकिन इस बार शायद ये मैच हमें किसी स्टिपुलेशन के साथ देखने को मिल सकता है, जैसा कि रे मिस्टेरियो भी अपने इंटरव्यू के अंदर बोल चुके हैं कि अगर मेरा मैच डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ हो रहा है तीसरी बार WWE कंपनी के अंदर, तो इस बार ये मैच हमें स्टिपुलेशन के साथ देखने को मिलेगा, और वो स्टिपुलेशन हो सकती है दोस्तों मास वर्सेस मुच की, यानी कि जो डोमिनिक मिस्टेरियो की जो मुच है वो दोस्तों ऑन द लाइन होने वाली है और रे मिस्टेरियो का मास ऑन द लाइन होने वाला है। तो इस तरीके से WWE इस मैच को प्लान कर सकती है रेसलमेनिया 41 में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है दोस्तों यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रोंसन रीड के बीच में। तो भाई साहब जब ये तीन सुपरस्टार एक रिंग के अंदर रेसलमेनिया के अंदर उतरेंगे तो भाई रिंग के अंदर एक युद्ध जैसा सीन हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ब्रोंसन रीड, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन ब्रेकर की जो स्ट्रेंथ है, उनका जो साइज है, वो भाई आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब ये तीनों सुपरस्टार एक मैच के अंदर है तो भाई जो रिंग का एटमोसफेयर है वो काफ़ी कमाल का होने वाला है, और ये सच में दोस्तों एक रेसलमेनिया लेवल का ड्रीम मैच है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेज ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेज ब्रोंसन रीड। तो अगर दोस्तों ट्रिपल एच इस मैच को बुक करते हैं IC चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के अंदर, तो भाई ट्रिपल एच के लिए फैंस दुआएं देने वाले हैं, क्योंकि ये मैच दोस्तों काफ़ी कमाल का साबित हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या एक्चुअल में ये मैच हमें रेसलमेनिया की स्टेज पर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मैच है वो है दोस्तों US चैंपियनशिप के लिए LA नाइट वर्सेज केविन ओन्स के बीच में। तो दोस्तों ये मैच हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि केविन ओन्स का हील टर्न होने वाला है। उसके बाद जो केविन ओन्स है वो अपनी स्टोरी को एज ए हील सुपरस्टार के तौर पर ही WWE कंपनी के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं, और रेसलमेनिया के अंदर मुझे लग रहा है कि LA नाइट US चैंपियन बन के ही जाएंगे, और LA नाइट वर्सेज केविन ओन्स का जो मैच है ये दोस्तों फैंस को काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाला है, क्योंकि इनकी जो रेसलिंग स्किल्स है वो काफ़ी कमाल की है, और रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं दो सबसे बड़े मैचेस के बारे में, जो कि दोस्तों रेसलमेनिया का पूरा ही जो एटमॉस्फेयर है वो दोस्तों चेंज करके रख देने वाले हैं, क्योंकि ये जो दोस्तों नंबर टू पर मैच है ये है दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के बीच में। तो दोस्तों इस मैच की जो स्टोरी है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है कि WWE प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को रॉयल रंबल 2025 के अंदर करवाने का, और स्टिल दोस्तों जब ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के अंदर रिटर्न करके वापस आएंगे तो दोस्तों ये बात भी लॉक है कि उनकी जो फर्स्ट फ्यूड है वो हमें गुंथर के साथ देखने को मिलने वाली है, और गुंथर और ब्रॉक लेसनर जो कि ओरिजिनली रेसलमेनिया 40 के लिए प्लान मैच था, लेकिन इस मैच को दोस्तों WWE ने कैंसिल कर दिया क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ जो वो इश्यूज हैं वो हो गए थे। और अब दोस्तों WWE रेसलमेनिया 41 के अंदर फाइनली इस मैच को करवाने वाली है, और भाई साहब जब ये मैच होगा तो भाई क्या इस मैच का सिनेरियो होने वाला है।
ब्रॉक लेसनर की सुप्लेक्स सिटी हमें देखने को मिलेगी, गुंथर के चोप हमें देखने को मिलने वाले हैं। वाकई में दोस्तों ये फैंस का सच में एक काफी बड़ा ड्रीम मैच है जो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल मैच के बारे में जो कि नाइट 2 का मेन इवेंट मैच हो सकता है, जो कि है दोस्तों द ब्रह्मा बोल द फाइनल बॉस द रॉक वर्सेस द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो दोस्तों ये जो मैच है ये रेसलमेनिया 40 के लिए ओरिजिनल मैच था, लेकिन वी वॉन्ट कोडी वाली स्टोरी की वजह से इस मैच को WWE ने कैंसिल कर दिया। और अभी फिलहाल दोस्तों ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद अगली साल यानी कि अगली से अगली साल रेसलमेनिया 42 के अंदर हमें ये मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद दरोग जो है वो इस बात को समझ चुके हैं कि फैंस इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुके हैं और फाइनली अब जो ट्रिपल एच और दरोग हैं वो रेसलमेनिया 41 के अंदर इस मैच को लॉक करने वाले हैं। और रेसलमेनिया 41 के अंदर जो हमारा ड्रीम मैच है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का, वो फाइनली रेसलमेनिया 41 के अंदर हो सकता है। और वैसे दोस्तों रेसलमेनिया 41 के अंदर द रॉक का कोडी रोड्स के साथ भी मैच हो सकता है, उसके बारे में भी रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो मुझे लग रहा है कि रोमन रेंस और द रॉक के मैच के हैं जो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाले हैं। वैसे दोस्तों जितने भी मैचेस मैंने आप सभी को बताए हैं ये वाकई में काफ़ी बड़े बड़े मैचेस हैं, तो आपको रेसलमेनिया वाली जो फील है वो इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिली होगी, तो ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। वैसे आपकी रेसलमेनिया 41 के लिए क्या प्रेडिक्शन है ये आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।